सुबह सुबह रिक्शे वाले भैया के दर्शन करके और चार लोगों की सीट पर एक तशरीफ रखकर मैंने देखा कि छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी थी और यही सोचते हुए मुझे सैंडलवुड भी मिल गया। अबे साले। और आगे पहुंचे तो एक जाना पहचाना था फेस दिखा और पता नहीं हमें देखकर खुश हुआ था पीछे आ रहे ऑपोजिट जेंडर को। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें और मेट्रो का सफर बोरिंग हो ही रहा था तभी ये फोटो देखकर बोला सेम नहीं लग रहे दोनों औकात में रहो। और बिना बात के लिफ्ट लेकर हम आ गए थे कॉलेज जहाँ बाकी की पलटन भी आ गई थी। अब हम जिस काम से आए थे उस काम को होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था इसलिए बिना किए वेस्ट एक भी पल हम चल पड़े अपने प्यारे हॉस्टल जहाँ पहुँचते ही हमने दोस्त की मिठाई पर डाका डाल दिया। भाई पता नहीं ये क्यों मायूस बैठा था और ये बेशरम हंसे ही जा रहा था। क्या रे भीख मांग गया। इसके बाद हमने अपने अंदर के एक्टिंग के जीन को एक्टिवेट करने की कोशिश तो की और इस दो सेकंड की चीज के लिए हमने एक मूवी से ज्यादा टेक ले लिए होंगे। और तो सब ठीक है मगर ये बंदा शायद जानता नहीं कि ऐसे लेट ना वो भी बॉयज हॉस्टल में सेहत के लिए हानिकारक है। आज के लिए इतना ही पर कल